नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और हमारा जो विषय है हिंदी, अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है आरोह भाग एक और उसका जो काव्यखंड का 5वां अध्याय है भवानी प्रसाद मिश्र और उनके द्वारा रचित जो रचना है घर की याद, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने 4 भागों का अध्ययन किया है और आज 5वां और जो अंतिम भाग है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कवि जो है सावन से कहता है कि मेरे पिता से जाके मेरी कुशलता का समाचार देना और कहना है कि वो हर प्रकार से वहां पे आनंदपूर्वक रह रहा है कारागार में, तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है और किसी प्रकार से अशक्त नहीं हो जाए, उनको ऐसा आभास नहीं हो जाए, संदेह नहीं हो जाए कि उनका जो पुत्र है वहां पर दुखी है, क्योंकि अगर उनको ऐसा पता लग गया कि वह दुखी है तो उनके पिता को बहुत अधिक दुख होगा और उनके आंखों में से आंसू बहने लग जाएंगे। तो कवि जो है अपने इसी भाव को, इसी संदेश को सावन के जो बादल हैं उनके माध्यम से अपने पिता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी संदर्भ में आगे हम पढ़ रहे हैं कि कवि किस प्रकार से अपनी जो बात है एक संदेश वाहक के रूप में सावन को कह रहा है कि सावन जो है संदेश वाहक बन के जाए वहां पे अपने उनके पिता के पास में और उनको ढांस ढांस बंधाई और किसी प्रकार से उनके पिता जो है उसके दुख में दुखी नहीं हो। तो चलिए पढ़ते हैं आगे अपने घर की याद, उसका अध्याय 5वां। कूदता हूं खेलता हूं दुख डट कर ठेरता हूं। अब इसमें कवि कहता है कि हे सावन, तू मेरे पिता के पास में जाना और मेरे पिता से कहना कि तुम्हारा जो पुत्र है वह अच्छी तरह से कूद रहा है, खेल रहा है, अर्थात हर प्रकार से वो आनंद में रह रहा है। दुख डट कर ठेरता हूं, ठेरता मतलब आगे धकेल रहा हूं, दूर करना, और ठेरने का मतलब धकेलना होता है वैसे। अब ऐसे नहीं कि दुख को धकेले जा रहा हूं कि उसको दुख को दूर कर रहा हूं, कि दुख डट कर ठेरता हूं, अगर कोई दुख उस मेरे को आ रहा है तो मैं हर प्रकार से उस दुख को दूर कर रहा हूं, अर्थात मुझे कोई दुख नहीं है यहां पे। और कहना मस्त हूं मैं, यो मैं कहना अस्त हूं मैं। और कवि कहता है सावन के बादलों से कि जाके मेरे पिता से कहना कि मैं हर प्रकार से यहाँ पे मस्त हूं, आनंदित हूं, यो ना कहना अस्त हूं मैं। और ये मत कहना कि मैं अस्त हूं, अस्त का मतलब उदास के लिए आ रही है। अब ये जो अस्त है वैसे तो छिप जाना होता है, जैसे सूर्यास्त हो रहा है, डूब रहा है, लेकिन यहाँ पे उदासी के लिए प्रयोग किया गया है, यो ना कहना अस्त हूं मैं। अब कवि कहते हैं कि ऐसे मत कहना कि मैं उदास हूं, परेशान हूं वहां पे, तो ऐसी बातें मत कहना जाके, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो ऐसा न कहना। और देखिए इसमें कह रहा है हाय रे, अरे सावन तो ऐसा मत कहना, कैसा है कि जो ऐसा न कहना, कि जो यहां पे मेरे साथ में घटित हो रहा है वैसा मत कहना कि मुझे यहां पे दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, हर प्रकार से मैं दुखी हूं, तो ऐसी बात मेरे पिता से मत कहना। कहना देना जागता हूं, आदमी से भागता हूं। अब कभी कहता है कहना देना जागता हूं कि मैं सुने यहां पे दुख के कारण से, पीड़ाओं के कारण से यहां पे जा रहा हूं, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, यहां के जो कष्ट है ना, इतने अधिक कष्ट जो दिए जा रहे हैं जिसके कारण से मुझे नींद नहीं आ रही और मैं जागता रहता हूं, आदमी से भागता हूं, और उसी डर के कारण से मैं आदमी से भाग रहा हूं, अर्थात आदमी से भी दूर हो रहा हूं, अर्थात आदमी को देख के मुझे भय लगता है। कहना देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं। अब देखिए कवि इसमें किस प्रकार से कह रहा है, कहना देना मौन हूं मैं, ये मत कहना कि मैं वहां पे चुप हूं, अपने बारे में वो बता रहा है उसको सावन को कि मेरे पिता से जाके कह देना कि वो तो आनंद में है, मस्ती में रहता है, लेकिन ये मत कहना कि वो वहां पे चुप रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, खुद न समझू कौन हूं मैं। अब देखिए इसमें कवि खुद कह रहे हैं कि खुद न समझू कौन हूं मैं, कि कवि कहते हैं मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन हूं। अब किस कारण से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको अपने घर की, अपने परिवार वालों की याद आ रही है, जिसके कारण से वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है, जिसके कारण से वह कह रहा है कि मुझे खुद को पता नहीं है कि मैं कौन हूं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। अब बक देना, अब बक जो है ये कहना, नकल बात नहीं कह देना कोई ऐसी जिससे कि उनको शक हो जाए। तो देखते अपने इसमें, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। अब इसमें कवि कहता है सावन से कि तुम कुछ ऐसी बात मत कह देना जिससे कि उनको कोई शक हो जाए और जिसके कारण से शक होने पर वो दुखी हो जाए कि मेरा पुत्र जो वहां पे कारागार में
अत्यंत दुखी है। तो ऐसी कोई बात मत कह देना जिससे कि उनको संदेह हो जाए, शक हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, कि अरे सजीले हरे सावन, हर प्रकार से हर किसी को सजाने वाले सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, कि तुम मेरे पुण्य और पवित्र हो, मेरे लिए पुण्य और पवित्र हो। तुम बरस लो वे न बरसे, कि तुम तो तुम्हारा तो कार्य है बरसना, अगर तुम बरसोगे नहीं तो धरती के ऊपर हरियाली कैसे आएगी, किस प्रकार से आनंद आएगा। लेकिन मेरे जो पिता हैं वो न बरसे, अब वे न बरसे, यानी कि मेरे पिता जो हैं मेरे दुख के अंदर दुखी नहीं हो, पांच जन को वे न तरसे, और अपने पांच जन पुत्र अर्थात मेरे लिए वो तरसे नहीं, मुझे पाने के लिए बार बार तरसे नहीं अर्थात दुखी नहीं हो। तो कवि ने सावन के माध्यम से अपने पिता के पास अपनी कुशलता का संदेश भेजा है, जिसमें वह बताना चाहता है कि वह वहां पे है तो दुखी, लेकिन मेरे पिता को ऐसा कोई संदेश नहीं जाए, उनको ऐसा लगे कि वह वहां पे आनंद में है, हर प्रकार से वह वहां पे सुखी है। और कवि नहीं चाहता कि उसके दुख के कारण से उसके जो पिता हैं अत्यंत दुखी हो जाएं और उनकी आंखों में से आंसू बरसने लग जाएं और वे अपने पांचवें पुत्र के लिए तरसते रहें अर्थात दुखी होते रहें। तो यह भाव इसे बताने का प्रयास किया है घर की याद के माध्यम से, जिसमें कवि ने अपने माता पिता का स्नेह जो है, जो उनका माता उनको माता पिता का जो स्नेह अत्यंत प्राप्त हो रहा था पहले, वो प्राप्त नहीं हो रहा है, भाई बहनों का जो प्रेम है, जो प्यार है, जो निकटता है उनको प्राप्त हो रही थी, वह अब प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसी कारण से जब सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं तो उनको अपने घर की याद आ रही है और अत्यंत जो है वह अपने पिता के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमने चार भाग पढ़े हैं, ये पांचवा आज पढ़ा है। तो ज्यादातर जो है वो अपने पिता के बारे में संबोधित करते हुए कह रहे हैं, पहले मां के बारे में किया, भाई बहन के बारे में भी किया है, लेकिन उनके बारे में नहीं, बल्कि ज्यादा जो है पिता के बारे में किया है कि उनके पिता जो है उनके दुख में ज्यादा दुखी नहीं हो। तो अपने देखते हैं इसने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और अनुप्रास के साथ साथ कहना कहना ये शब्द आ रहे हैं बार बार इसमें, तो यहां पे यमक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो ये था भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित जो रचना है, हमारे जो पाठ्यक्रम में संकलित है घर की याद, उसका हमने अध्ययन किया है, जिसमें लेखक कवि के सामने बरसात के समय अपने घर की बार बार याद आती है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह अपने शुद्ध बुद्ध जो खो बैठता है, वो कहता है कि मुझे खुद को पता नहीं कि मैं कौन हूं, क्योंकि वह इतना अधिक भावहीन हो जाता है, इतना अधिक भावों में बह जाता है कि वह अपने शुद्ध बुद्ध तक खो बैठता है। तो यह भाव इसे बताने का प्रयास किया गया है। तो यह थी हमारी रचना भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद, जिसके पांचवें भाग का अध्ययन किया है। ये थे हमारे पांच भाग, इसमें आज अंतिम भाग का हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।